इंट्रोडक्शन सबको पता है, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार मेमन। ये काउंसिल जनरल लॉस एंजलिस के आप सबसे दो साल हो गए। मैं बेकर्सफील्ड में 1982 से हूँ। पहली बार ऐसा है कि काउंसिल जनरल बेकर्सफील्ड आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला आए कम्युनिटी से मिलने, तो इस बात का हम लोग रियली अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और फिर भी आते रहिएगा और वीजा स्टैम्प लाइएगा। शुरू होने से पहले मैं सबसे पहले कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये पूरी जो हमारी ये सेरेमनी है या लंच है उसके लिए हेल्प किया है। सबसे पहले तो हमारे इज्जत काजी साहब हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्हीं की वजह से आ गए। मेरे ख्याल से आप इनके मोटिवेशन ये काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि हमें बुलाना है, तो फाइनली आ पाए। थैंक यू वेरी मच काजी साहब। और कुछ लोगों ने जो हम लोग तकरीब है उसको होस्ट किया है, उनमें उनके नाम हैं सुम्बुल एंड फरहान शाह, उज़्मा एंड नासिर खान, जोहा एंड इरफान खैरी, बारबरा एंड शजर खान, अफशा एंड इज़्ज़त काजी, अफशीन एंड परवेज मेमन। तो इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। अपना नाम क्या है? तो मसला हो जाए घर पे जाते, वो मसले चलते ही रहते हैं घर पे। एक बार हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? घर घर का मसला है, ये तो घर घर का मसला है। जैसे कि हाँ बिल्कुल सही। तो अब सबसे पहले मैं हमारे शंडर साहब हैं, ये फेलो पिटारियन हैं, तो ये आके इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. As some of you know that I'm from Cadet College Pataro. हमारे काउंसिल जनरल भी पटारो ही हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सेरेमनी होती थी कि जो भी आपका बड़ा होता था उसको आप भाईजान कहते थे। एक क्लास भी अगर बड़ा है तो उससे आप भाईजान कहते थे। अच्छी बात थी, उसने उस वक्त तो एक साल बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, क्योंकि आप जब 12-13 साल के हैं तो एक साल बड़े बड़े सीनियर लगते थे। ईयर्स लेटर जब 25-30 के हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। यहाँ पे तो आपको पता है कि कुछ हमारे भाई हैं जो कि 5-5, 6-6 साल खा जाते हैं अपनी उम्र इसमें आते रहते। एनीवे कट लेटर इन ईयर्स, कोई 2-1 साल पहले मुझे किसी पटारी ने बताया कि लॉस एंजल्स के जो काउंसिल जनरल हैं वो भी पटारी हैं। तो मुझे पता चला, मैंने कहा कि अगर मेरा क्लासमेट होता तो मुझे कॉल कर लेता, तो सीनियर जूनियर होगा चले कोई बात नहीं, मैंने कॉन्टैक्ट नहीं किया। इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनसे हमेशा किसी ना किसी को काम पड़ता रहता है और इनको बार बार कोई ना कोई तंग करता रहता है। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि रिश्तेदारियाँ निकाल लेते हैं लोग, तो वो बताते हैं कि साहब आपकी भतीजी की जहाँ शादी हुई है ना, उसका जो सगा थर्ड कज़न है उसके हमारे मोहल्ले में शादी हुई है, तो हमारा ये काम है ये ज़रूर करते हैं आप साहब। तो आपको पता है कि हम लोग ज़बरदस्ती की रिश्तेदारियाँ निकाल देते हैं। मैंने कॉल नहीं किया, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पास कॉल आई, इनके पीए थे सर, उन्होंने कहा जी शजर आबाद साहब हैं यहाँ पे, जी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी काउंसिल जनरल बात कर रही है, सही है। ये फ़ोन पे आया और इन्होंने पहली बात की, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाब में बात तो पहली चीज़ कंफर्म हो गई कि जूनियर थे, दूसरी चीज़ कंफर्म हो गई कि पटारियन है, ठीक है। तीसरी चीज़ के माशाल्लाह से इतने हम्बल इंसान हैं कि ऑलमोस्ट 40 साल हो गए थे उस बात को कि जब मेरे जूनियर थे, आज भी इन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे भाईजान कहा। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर टेकिंग द टाइम फ्रॉम हिज बिजी स्केड्यूल स्पेशली ऑन सैटरडे टू कम आउट हियर डू अ मीट एंड ग्रीट एंड गेट टू नो दिस लिटिल कम्युनिटी। वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी प्राउड। पिटारों के कंटेक्स्ट में किसी सीनियर के आगे तकरीर करना, ये ऐसे ही है कि किसी हवलदार मेजर को बुला लें और कहें कि जनरल साहब के सामने तकरीर करें तो मैं उस मुश्किल में हूँ। इधर मेरे सीनियर अंडर ऑफिसर उस ज़माने में जब मैं
ग्रेड सेवन में था तो ये मेरे सीनियर प्रोफेसर थे डॉक्टर शुजा नकवी, यहाँ पे शजर भाईजान भी मुझे सीनियर थे और दोनों क्लेम करते हैं कि जी हम आपसे सीनियर नहीं लगते, आप बिलावजह में क्यों हमारे जूनियर बने हुए हैं। तो एनी हाउ, मैं सबसे पहली बात तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और आज के मुंतजमी का। हुआ ये था कि यहाँ पे मेरा दाना पानी लिखा हुआ था, मुझे यहाँ आना था और आपको भी तकलीफ करके यहाँ आना था। लास्ट टाइम मैं यहाँ से जब गुजर रहा था तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा जी मैं बैकर्सफील्ड की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ आपके जाएंगे तो मेरे कज़न से मिलके आप निकलेंगे वहाँ से। तो कज़न साहब वो यहाँ बैठे हुए, ये सैफ साहब, अच्छा इनको मैं फ़ोन करा कि जी मुझ पर प्रेशर है, मैंने आपसे मिलना है। इन्होंने कहा जी बिन बुलाए कौंसल जनरल साहब आके मेरे घर में घुसना चाहते हैं, इनके लिए चाय का इंतजाम करना पड़े, तो ये जान छुड़ाने के चक्करों में। अच्छा उधर से मुझे फोन आ गया, मिले मेरे कज़न से, मेरे कज़न, मैंने कहा जी वो मिलना ही नहीं चाहता, मैं क्या मिलूँ। तो वो ये आज जो ये गैदरिंग है ये उस एक फोन कॉल की कीमत है जो ये दे रहे हैं यहाँ पर आप भी कर रहे हैं। एनी हाउ, मैं आप लोगों का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। शजर भाईजान ने ये ज़रूर कहा कि यानी कि ब्यूरोक्रेट हूँ मैं, लेकिन शायद मैं होता ब्यूरोक्रेट में कभी, मुझे पता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है या ब्यूरोक्रेट क्या होता है। हाँ ये ज़रूर बात है कि पिटारियन बताते हुए घबराता हूँ, और ये है बड़ी सियासी बात कि वो जब भी मैं एक दो जनरलों से भी मेरी मुलाकात हुई यहाँ से एल ए में, तो मैंने कहा सर मैं पिटारियन हूँ, आई एम वेरी मच फैमिलियर विद दी मिलिट्री लाइफ स्टाइल, तो फौरन कहता है कि जी हाँ वो जरदारी के आप। तो वो थोड़ी सी कन्वर्टेशन मिलाने में जरा तकलीफ होती है, लेकिन बहरहाल जो भी कुछ आज इस जगह पे हूँ या इवन जो मेरे भाईजान हैं, ये मैं अटमोस्ट ऑनेस्टी से कहता हूँ कि ये उस कॉलेज की बदौलत हूँ जहाँ पे मेरे वालदेन ने मुझ पर मेहरबानी की, अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि मैं वहाँ गया। उस ज़माने में सिंध में यही दो स्कूल्स हुआ करते थे, पिटारो एक पब्लिक स्कूल हैदराबाद, तो प्रॉबली आई एम अमंग लकी वंस के मुझे भी वहाँ दाखिला मिल गया। जहाँ तक सर्विसेज की बात है कौंसलेट में या कौंसलेट जनरल की हैसियत में, तो मेरी तो कोशिश होती है कि मेरी कोई दोपहर घर पे ना गुजरे, कोई शाम घर पे ना गुजरे, लोगों के बीच में गुजरे। तो गुज़िश्ता दो साल में, अगले महीने मुझे दो साल पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, और ये यानी कि लतीफ़े के तौर पे नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कोई रात का खाना दो साल में मैंने अपने घर पे खाया हो। ये लोगों के बीच में हूँ, 10 स्टेट्स हैं, दौड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। आज भी मुझे यानी कि अफसोस हो रहा है कि मैं अपनी वाइफ को साथ यहाँ नहीं लाया, क्योंकि वहाँ लॉस एंजलिस में एक ख्वातीन का एक इवेंट है, कोई फैशन शो है, उसमें वो चीफ गेस्ट थी और कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ, वरना हम इसको शिफ्ट कर देते। लेकिन इंशाल्लाह अगली मरतबा मैं उनको ज़रूर ले आऊँगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो यानी कि इंथ्यूजास्टिक होती हैं, क्योंकि फेसबुक पे फोटोशूट आ जाते हैं। तो मैं आज महरूम हो गई। एनी हाउ, तो अब ये है कि लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आप लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ अमेरिका में आप लोगों का ज़्यादा टाइम कीमती है मेरे से भी, सभी निकाल के आ जाते हैं मिलने के लिए। और मेरी जो अपनी जो पॉलिसी है वहाँ पे कौंसलेट में, ओपन डोर पॉलिसी है, दो साल में मैंने मेरे से किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं आता। एनीबडी कैन नॉक माय डोर एंड हैव अ मीटिंग विद मी। मैंने ये दूसरी बात ये है कि कौंसलेट से शिकायतें आपकी यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं जितनी उनकी रहती है शिकायत, वो थोड़ा सा कल्चर का इशू है, थोड़ा सा माइंडसेट का इशू है। मैं कितना भी यानी कि कम्युनिटी फ्रेंडली हूँ, कितना भी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी टीम विलिंग नहीं है टू प्रोवाइड या मेरी उसी वेवलेंथ पे रहने की, तो मैं कुछ भी कर लूँ मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो ये वो इशूज़ हैं जो टीम रिलेटेड इशूज़ हैं। लेकिन अगर आप ये फैसला कर लें कि यू हैव टू ब्रिंग चेंज, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग चेंज एंड रियली इंट्रोड्यूस अ चेंज इन एनी सिस्टम। लेकिन मेरी शायद खून में, मेरी जींस में, जहाँ भी मैं गया हूँ तबाही ले आया हूँ, और मेरे से लोग परेशान होते हैं, तो इधर भी मैं चेंज ले आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं इन्वॉल्व है। मैं आपको बताऊँ कि आप मेरी कॉन्सलेट में जाएँ, उधर के कॉन्सलेट सेक्शन में जाएँ, थोड़ा सा आप देखेंगे मैंने उधर दो फ्रेम, दो पोर्ट्रेट्स लगाए हुए हैं, उसमें मैंने एक मैसेज दिया हुआ है कि जिसको भी ना कहना है द पावर लाइज विद द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान। Any official looking after public at the counter
has no right, no discretion to say no to any visitor. I have been able to get a job. और अगर शिकायत है मेरे तक नहीं पहुंची है तो फिर वो उसकी किस्मत खराब है लेकिन मेरे तक पहुंची तो फिर इंशाल्लाह ताला उसका उसका यानी कि होगा यानी कि एक्शन लिया जाएगा तो आप मुझे बताया करें अच्छा फीडबैक तो हमें जहां इंकरेज करता है वहां जाहिर है आप लोगों की खिदमत करना कोई आसान नहीं है मैं आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करूंगा अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा करेगा और इसी प्रिंसिपल पे पूरी जिंदगी काम किया बाकी भी कितना टाइम काम करूंगा और कई ऐसी चीजें जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से इंफॉर्मेशन का फुकदान है लोग कहते हैं मुझे मैं जहां भी जाता हूं सही आपके पास हम कहां से आए लॉस एंजेलिस के लिए $300 का टिकट भरे और फिर आपको सर्विसेज वहां देने के लिए आए पूरा पूरा दिन हमारा जाया हो जाता है छुट्टियां लेते हैं लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग के सवाय अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंटेशन के अटेस्टेशन के अलावा बाकी किसी काम के लिए मेरे पास आने की या मेरी कॉन्सुलेट में आने की जरूरत नहीं दैट ऑल हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑनलाइन लेकिन क्योंकि लोग वेबसाइट पे विजिट नहीं करते उसको पढ़ते नहीं है दे मेनली रिलाय ऑन इंफॉर्मेशन जो हेयर से वाली होती है अगर पढ़ लें आप देख लें आपका पासपोर्ट अब ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है लैपटॉप खोलें उसमें आप सिस्टम में अपनी एप्लीकेशन लोड करें घर पे आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा आप अगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं गो ऑन द नौदरा वेबसाइट अपने एप्लीकेशन रजिस्टर करें यू विल गेट विद इन 15 days NICOP डिलीवर्ड एट योर रेजिडेंस उसके अलावा वीजा के लिए बिल्कुल कतन आने की जरूरत नहीं है आप फॉर्म डाउनलोड करें भरें पासपोर्ट उसके साथ लगाएं फी का चेक लगाएं आप रिटर्न एनवेलप के साथ मेरे पास भेज दें विद इन 3 days मैं आपको अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ चलता हूँ मेरे जाने के बाद तो पता नहीं क्या होगा वो फिर आप लोगों का नसीब है लेकिन 2 दिन से ज्यादा मेरे दफ्तर में कोई एप्लीकेशन पेंडिंग रह ही नहीं सकती यानी कि आई पीरियोडिकली एंड रैंडमली चेक कोई शिकायत जब तक मुझे आप पहुंचाएंगे नहीं मैं आई एम द ओनली कॉन्सुल जनरल आप जाके ये मुझे कोई लीडर नहीं बनना है ये रिटायरमेंट के बाद जाके एक ही बेटा है उसके साथ जिंदगी गुजारनी वो भी उसकी बीवी ने अगर इजाजत दी तो ना कोई एम्बिशन है ना कोई ऑब्सेशन है तो आप जाके देखेंगे जाए चारों कॉन्सुल जनरल ने उनकी वेबसाइट पे देखें यू विल फाइंड ओनली माई डायरेक्ट नंबर सेल फोन नंबर सर मैंने लगाया जस्ट टू गिव यू पीपल एक्सेस एंड रीचेबिलिटी कि आप पहुंच जाए मेरे पास और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कई लोगों के फोन मेरे पास आते होंगे उस वक्त मैं मीटिंग में होऊंगा नहीं उठा सका हूं लेकिन ये हो नहीं सकता कि रात को सोने से पहले उसको जवाब देके न सोया इतना मैं कुछ कर सकता हूं और यानी कि वो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बीवी को भी जॉब पे लगा दिया वो काम पे चली जाती है तो वो दैट पेन इज नॉट इन माय नेक सो वो भी मैं आजाद मैं पूरी खिदमत के लिए हाजिर हूं जो भी सवाल आते हैं आप उससे कीजिएगा मैं हाजिर हूं मैं जवाब देने के लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन तकरीर और लंबी करना चाहता हूं I would just like to say one more thing. आज सवेरे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे हमारे कुछ दोस्त साथ खड़े हुए थे उनको ये नहीं पता था कि मैं बटालियन हूँ या ये भी बटालियन है वहाँ पे कोई बात निकली वीजे की एवरी सिंगल वन ऑफ देम सेड कि माशाल्लाह से सिस्टम इतना अच्छा हो गया लॉस एंजेलिस के अंदर इट हैज बीन वेरी गुड फॉर अस सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू But even some of the comments that, you know, are favorable, please make sure they get the comments because it's very encouraging. So, thank you. Time to zar jiska. Lunch. Lunch thodi der mein serve hoga. Jab tak aap log please mix around kare. Aake काउंसिल जनरल से किसी को कोई भी सवाल हो प्लीज फील फ्री आंसर प्लीज फील फ्री एज मेनी क्वेश्चंस एज यू